धन्यवाद जी आप सबको हमने कुछ आपने हमारे लिए स्वीकार करना चुने वरिष्ठ नागरिकों को बुजुर्गों को सम्मानित करके हम जनता को नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो इन बुजुर्गों का मान सम्मान करें, इनकी सेहत का ध्यान रखें, इनकी सेवा करें और इनके अनुभव का ज्ञान का पूरा लाभ उठाएं। वैसे भी हमारे धर्म में भी कहा गया है बुजुर्गों की सेवा ही जो है वो तीर्थों की यात्रा करने के बाद हम देखते हैं कई लोग मंदिरों में जाके देवी देवताओं की पूजा का कोई औचित्य नहीं है अगर आप घर पे अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते। सबसे पहले देवी देवता तो हमारे लिए घर में बैठे बुजुर्ग हैं, हम उनकी सेवा करें अपने आप भगवान की पूजा होती है, हम उनका ध्यान रखें अपने आप तीर्थ यात्रा होती है। इसलिए इस दृष्टि से इस संदेश को देने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम तय किया है जो सिंबॉलिक तौर पर आयोजित हो रहा है परंतु इसका संदेश बड़ा है, उस संदेश को हम जनता के बीच पहुंचाएं। हमारे मीडिया साथी अपने दायित्व को निभा रहे हैं, ये भी इस कार्यक्रम के संदेश को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। हम सभी यहाँ बैठे लोग अपने जीवन में भी इसका पालन करें और जहाँ जहाँ हमारी जान पहचान मित्र दोस्त रिश्तेदार हैं उन सबको यही शिक्षा दें कि हमें इन बुजुर्गों का मान सम्मान करना है, इनकी देखभाल करनी है, इनके ज्ञान का इनके अनुभव का लाभ उठाना है। मुझे लगता है ये इनसे ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होगा, पूरे समाज के लिए लाभकारी होगा, पूरे प्रदेश और देश के लिए लाभकारी होगा। इसलिए इसी संदेश के साथ कि हम इन बुजुर्गों का मान सम्मान रखें, इनकी देखभाल करें, मैं आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जहां तहसील कल्याणकारी अधिकारी मैडम जी का धन्यवाद करता हूं, वहीं इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना जो है गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं प्रधान बालकिशन जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत ही उचित निर्णय लिया कि सम्मान करना है तो क्या करते हैं, टोपी तो दी परंतु और क्या दे, तो ऐसी चीज दी जिसका उपयोग बुजुर्ग सबसे ज़्यादा करते हैं। धूप है तो भी छाते का महत्व है, बारिश है तो भी छाते का महत्व है और चलने में दिक्कत है तो भी छाते का महत्व है। इसलिए ऐसी चीज दी जिसके अनेक लाभ है, एक नहीं अनेक लाभ है, ये सिंबॉलिक बातें हैं परंतु इनके संदेश बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उन बातों को समझ